गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं लखन सैनी। आज मैं आपके लिए सीजनल फ्लावरी यानी मौसमी फूल लेके आया हूं कि सर्दियों के अंदर कौन से फूल लगाने चाहिए और कौन से नहीं लगाने चाहिए। आप नर्सरी से सीजनल फ्लावरी ख़रीद के ले आते हैं लेकिन वो फास्ट ग्रोथ नहीं करते। उसका रीज़न होता है कि आप उनको अपने गार्डन में लगा देते हैं लेकिन ऐसी जगह लगा देते हैं जहाँ पे सनलाइट, सूर्य की किरणें नहीं आती हो या कम आती हो, जिससे प्लांट काफ़ी समय तक नहीं चलता है और ख़त्म हो जाता है और अच्छा फ्लावरिंग नहीं देता है। अच्छी फ्लावरिंग देने के लिए प्लांट को अच्छी धूप की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अच्छी मिट्टी और खाद डालने की भी आवश्यकता होती है। अगर आप प्लांट लगाने जा रहे हैं सीजनल तो इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। आप देख सकते हैं कि हमने मिट्टी तैयार की है और इसमें हमने पौधे इस प्रकार से लगाए हैं कि ये गार्डन की शोभा ही बढ़ाएंगे और स्पेस का भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा गया है कि अभी ये सीजनल फुलवारी है तो ये छोटी है और ये ग्रोथ धीरे धीरे ग्रोथ करेंगी। ग्रोथ करने पर ये प्लांट थोड़ा बड़ा होगा तो स्पेस की आवश्यकता ज़रूरी है, तो आप जब भी प्लांट लगाएं स्पेस का अवश्य ध्यान रखें और स्पेस के साथ साथ आप मिट्टी का अवश्य ध्यान रखें। हमने पेड़ लगाने से पहले इस मिट्टी में खाद और कोकोपीट मिलाकर इसको बराबर करके इसमें फिर ये प्लांट लगाएं, क्योंकि प्लांट के लिए सबसे ज़रूरी है कि स्पेस और सनलाइट। अगर स्पेस नहीं रखेंगे तो आप पास पास पौधे लगाएंगे तो पौध की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी और फ्लावरिंग भी अच्छी नहीं देगा। फूलों का पौधों का मुख्य भाग होता है कि वे फूल सही टाइम पे देते हैं। यदि आप उनका सही तरीके से ध्यान नहीं रखते हैं तो वे फूल भी नहीं देते हैं। जैसे कई होते हैं कि सही समय पर उनको पानी भी नहीं देते, कोई पानी अधिक दे देता है। और ये विंटर सीज़न होता है जिसमें पानी की आवश्यकता भी बहुत कम होती है और धूप की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो कभी भी आप प्लांट लगाएं, जैसे पिटोनिया लगाए या फ्लॉक्स लगाए, कैंडूला लगाए, डबल डेलिया लगाए, कोई भी आप प्लांट लगाने से पहले सबसे पहले आप उसकी मिट्टी का अवश्य ध्यान रखें। उसके साथ सनलाइट का भी बहुत मुख्य तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि सनलाइट विंटर सीजन में सनलाइट बहुत आवश्यकता होती है। उसी हिसाब से पौधे के अंदर फूल आते हैं। अगर सनलाइट अच्छी आएगी तो आपके गार्डन को फूल से भर देता है। और सबसे मुख्य बात होती है कि आप स्पेस का अवश्य ध्यान रखें और पानी 4-5 दिन के अंदर एक बार आप पानी डालें, क्योंकि पानी अधिक डालने पर प्लांट ख़त्म हो जाता है। लोग कहते हैं कि हमारे विंटर सीजन में फ्लावरिंग नहीं आते या पौधे ख़राब हो जाते, इसका मुख्य कारण यही होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।